शहर को पानी सप्लाई की बात करने वाली नगर पालिका के बाहर लगे प्याऊ सूखे। नगर पालिका के बाहर लगा प्याऊ लोगों की प्यास नहीं बुझा रहा, जबकि सबसे ज्यादा भीड़ नगर पालिका आने वालों की ही होती है। वहीं हनुमान चौराहा शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक है, जहां लोगों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे गर्मी के मौसम में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है, क्योंकि नगर पालिका के पास लगे प्याऊ सूख चुके हैं। वहीं नगर पालिका के अंदर लगे नल भी बूंद बूंद पानी टपक रहा है। अब देखना होगा कि नगर पालिका कब तक अपने कार्यालय के बाहर लगे प्याऊओं को चालू करवाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू है। काय की दुकान है आपकी? फूलों की दुकान है। बताए क्या समस्या आ रही है पानी को लेकर? पानी को बहुत समस्या आ रही है। तो पानी आप पहले कहाँ से भरते थे? नगर पालिका से भरते थे। हाँ, कुछ और पर मंच मंदिर का आता था पहले। हाँ, मंदिर का ही बंद हो गया वो। तो क्या पानी नहीं पहुँच पा रहा पीए थी? तो उधर आप गए थे एक बार चेक करने? नहीं, जब तक हमने हम तो रात्रि में पानी भरा तो आया ही नहीं पानी, दो दिन तीन दिन से पानी नहीं आया। तो आप कैसे ले रहे हैं आप? आप कैसे ले रहे हैं? कैसे ले लेते हैं, थोड़ा बहुत कहीं से ले लेते हैं, पानी मिल जाता है गरम वरम जैसे भर लेते हैं। पानी समस्या है, तीन दिन से पानी नहीं है, बिल्कुल भारी जनता परेशानी है, जनता को भारी परेशानियाँ हैं। कम से कम 15-20 हज़ार जनता पानी पीती है यहाँ डेली। ये आपकी प्रेम आवक जाते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहा है। गाँव वाले हैं, शहर वाले हैं, कई जगह के हैं, तमाम लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग। किस जगह पे है ये आपकी प्याऊ? ये नगर पालिका के यहाँ पे। तो ये पानी कहाँ से नहीं आ रहा? टंकी से सप्लाई है इसका, पीएचई में से। पीएचई से करीबन तीन दिन से पानी नहीं आ रहा। तीन दिन से पानी नहीं है बिल्कुल।